जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बच्चों आज हम करने वाले हैं क्लास 9 की फिजिक्स चैप्टर आपका 2 उसका न्यूमेरिकल 2.5। तो बच्चों को ये बड़ा अहम न्यूमेरिकल है, पेपर में अक्सर आ जाते हैं, इसलिए आप अच्छी तरह बच्चे समझ रहे हैं। तो बच्चे लिखे हैं एक कार 5 सेकंड तक 40 मीटर फी सेकंड की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती रहती है। यानी 5 सेकंड वक्त दिया गया है, जब कार चलती है तो उसकी स्पीड जो होती है वो 40 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से यूनिफॉर्म रहती है, नहीं बदलती। और ये जब चलती रहती तो अगले 10 सेकंड में यूनिफॉर्म डिसेलरेशन के साथ चलते हुए रुक जाती है। तो मालूम आपने क्या करना है, डिसेलरेशन। तो बच्चों डिसेलरेशन जो होता है किसी भी जिस्म का बर्फी एक्सेलरेशन जो होता है वो डिसेलरेशन कहलाता है। जब किसी चीज की वेलोसिटी कम हो रही हो तो उस वक्त जिस्म जो एक्सेलरेशन होता है वो आपका डिसेलरेशन कहलाता है, और इसी को एक्सेलरेशन भी कह लेते हैं, डिसेलरेशन भी कह लेते हैं। बच्चे देखते हैं एक कार 5 सेकंड तक 40 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से ये वेलोसिटी से चलती रहती है। तो कार की नई वेलोसिटी को दी गई है 40 मीटर फी सेकंड, जो कि आपके पास है 40 मीटर पर तो सेकंड, और इसके साथ बच्चे वक्त भी दिया गया है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जब चलती है तो 5 सेकंड तक चलती है। इसमें लिखेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ हरकत का वक्त कितना वक्त है, वो बच्चों ऊपर आपके दिए गए 5 सेकंड। यानी कार जब चलती है 5 सेकंड तक 40 मीटर की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती है, इब्तदाई स्पीड जो दी गई है 40 मीटर प्रति सेकंड है, और वक्त जो उन्होंने दिया है वो आपका है जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ वो कार चलती है वो आपके पास है 5 सेकंड। इसके बाद एक अगला वक्त दिया है अगले 10 सेकंड का, ये वो वक्त है जब गाड़ी यूनिफॉर्म डिसेलरेशन के साथ चलती है। तो यूनिफॉर्म डिसेलरेशन के साथ हरकत का वक्त दिया है हमने जो वो दिए बच्चे आपको दिए गए 10 सेकंड। इसलिए दो टाइम आपको लेने पड़ेंगे, एक वो टाइम ये वक्त आपको लेने पड़ेगा जब कार जो होती है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चलती है, और दूसरा वक्त वो लेना पड़ेगा जब जो होती है कार आपके दर्ज होती है यूनिफॉर्म डिसेलरेशन के साथ चलते चलते आखिरकार रुक जाती है। तो कार की आधी वेलोसिटी पे कार रुक जाती है बच्चों, इसमें उसके आधी वेलोसिटी हम लेंगे 0 मीटर फी सेकंड। और बच्चे आपने देखिए मालूम क्या कर रहे हैं, एक नंबर मालूम कर रहे हैं आप डिसेलरेशन, और दूसरी चीज आपने मालूम कर रही कार का कुल तय करना फासला। तो पहले डिसेलरेशन मालूम कर लेते हैं, बड़ा सवाल है। तो डिसेलरेशन आपने मालूम कर रहे हैं जिसको ऐसे जाहिर किए जाते हैं कार का तो तय करना फासला है कि आपने मालूम कर रहे हैं। तो बच्चों डिसेलरेशन या एक्सेलरेशन का फार्मूला एक ही होते हैं वेलोसिटी में, तो dv / r चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, या इसको हम लिख सकते हैं a = vf - vi / t के। तो बच्चों फार्मूला हम कितने दर्ज करते हैं, vf की कीमत आपके पास दी गई है 0 मीटर प्रति सेकंड है, और माइनस vi की कीमत आपके पास वो दी गई है 40 मीटर फी सेकंड है बटे में टी की कीमत लिख ले। तो बच्चों टी की कीमत का मसला थोड़ा सा बनता है कि हम टी की कौन सी कीमत लेंगे, तो बच्चों टी की कीमत के लिए आपने ये 10 सेकंड वाले ले लिया 10 सेकंड वाले, क्योंकि यहां पे आखिरी जब स्पीड आ रही थी तो आखिरी स्पीड भी आपको जो दिया था एक्सेलरेशन एक्चुअली एक तो आखिरी स्पीड भी आपको 10 सेकंड का जिक्र है, और दूसरी ये कि एक्सेलरेशन जिसमें पैदा ही उस वक्त होता है जब किसी जिस्म की वेलोसिटी बदले, ठीक है जी। तो वो 10 सेकंड में जो जो के वेलोसिटी तब्दील होती है 5 सेकंड में तो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चलता है, 10 सेकंड में तब्दील होती है। तो बच्चों इसमें आपने 10 लेने, अक्सर स्टूडेंट ये गलत कर जाते हैं, उनको ये पता नहीं चलता कि आया उन्होंने 10 सेकंड लेना है या 5 सेकंड लेना है। तो मैंने इसके आपके पास 40 है, इसको जो होता है 10 पर बच्चे डिवाइड कर दे आपके पास आ जाएगा माइनस के 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों ये आपका एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन की कीमत आपके पास आ गया है। बच्चे देख रहे हैं अक्सर ये फॉल्ट आता है कि बच्चे जो 5 सेकंड जो है ले लेते हैं तो 5 सेकंड में तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि असल देख रहे हैं कि डिसेलरेशन या एक्सेलरेशन होता क्या है, एक्सेलरेशन किसी चीज से पहले ही उस वक्त होता है जब उसकी वेलोसिटी कम हो रही हो या ज्यादा हो रही हो, या फिर क्या डिसेलरेशन इसका मतलब है कि जिसम की कार आपकी जो है उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, और एक्सेलरेशन पैदा ही उस वक्त होता है, और उसके साथ जो वक्त दिया गया वो आपके पास दिया गया 10 सेकंड, ये 10 सेकंड दिए गए, इसलिए बच्चों आपको टाइम जो लगेगा 10 सेकंड वाला लेना। अब हम आते हैं इसके दूसरे हिस्से की तरफ जिसमें उन्होंने पूछा कार का कुल तय करता फासला। तो यहाँ पे बच्चों फासले को दो हिस्सों में तकसीम करेंगे, एक हिस्सा तो बनता है जब 5 सेकंड तक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चलते हैं ये वाला आपको फासला निकालना पड़ेगा, अब दूसरा फासला जो है ये वाला आगे 10 सेकंड यूनिफॉर्म डिसेलरेशन के बाद रुक जाती है। तो इसमें आपको दो फासले लेने पड़ेंगे, एक वो फासला जब यूनिफॉर्म स्पीड से हरकत कर रही थी, और एक वो फासला जब 10 सेकंड में कुछ फासला तय करने के बाद जो होती है वो रुक जाती है। तो बच्चों पहले हम फासला निकालते हैं, तो कार का तय करता फासला जब कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती है, इसको हम एस मान लिखेंगे, क्योंकि हम दो जो होते फासले में लोग इसका नाम इस लिखा जाएगा एस मान, और एस हम जानते हैं कि फासला बराबर होता है वेलोसिटी इनटू
टाइम के लिए वी इधर पे ठीक है। तो यह वी से बाद आपके विशेष एम्प्लॉई क्लास की यही आपकी वी होगी जो कि बच्चों आपके पास दी गई है 40 मीटर फी सेकंड है और जो टाइम आपके पास दिया गया पहले वाले ही आपके टाइम लेने जो कि आपके पास दिए गए 5 सेकंड और इसको अब आप हल करते हैं तो 5 को जब 40 से मल्टीप्लाई किएंगे तो बच्चों आपका आंसर आ जाएगा 200 मीटर। ठीक है जी, तो लिखना चाहते हैं यहां पे बच्चा फार्मूला लिख ले, फार्मूला है और ये आपने फार्मूले में कीमतें दर्ज की है, कीमतें दर्ज करने से और बच्चों ये वाला आपका स्टेप जो हल का था। तो बच्चे अब आप एक फासला आपका निकला है जो कि आपके पास है 200 मीटर। अब हम जो होते हैं अगला 10 सेकंड में जो होता है इसमें कितना फासला देंगे ये मालूम करते हैं। तो इसके लिए बच्चों आपको फार्मूला हरकत की तीसरी मुसबात जो इस्तेमाल करें मेरे लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को कि अब आप ए निकाल लीजिए आपके पास 2 है और ए की कीमत बच्चों आपने जो निकाली थी वो आपके पास है माइनस के 4 है मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू एस आपका है जो कि आपने मालूम करना है। आप एस से बना लिया कि आपका एस 2 ही है, एस 2 लिखना चाहते हो आप एस 2 लिख लें और वी एफ आपके पास 0 है जो कि कार जो रुक जाती है इसलिए आप 0 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर लिखेंगे और वी है इनिशियल वेलोसिटी और उसकी कीमत बच्चों आपके पास दी गई है 40 मीटर पर सेकंड और इसका भी लिखा जाएगा स्क्वायर क्योंकि हमने फार्मूले में सब कुछ लिख दिया। अब हम इसको हल करते हैं माइनस के 4 इनटू आपके एस 2 और ये आपका 0 ही आ जाएगा और इस तरह ये आपके पास आ जाएगा 40 का स्क्वायर और जब मैं बच्चों इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आते हैं माइनस के 8 आपके पास आ जाएंगे और इसका जब हम स्क्वायर खोलेंगे तो ये आपके पास आ जाएंगे 1600। जी बच्चों अब हम इसको इस तरह फल की ओर डिवाइड कर देते हैं माइनस 8 पर इस तरह भी और इस तरह भी माइनस 8 पर डिवाइड कर देंगे 8 आपके 8 से कट जाएंगे तो बच्चों एस टू की कीमत आपके पास आई माइनस वाली लेवल माइनस से कट जाएगी तो आपके पास आंसर आ जाएगा 200 मीटर। तो बच्चों आपके पास ये आ गए एस वन एस टू आ गए एस वन आपके पास 200 मीटर था अब दूसरा फासला भी आपके पास जो होता है वो एस टू ही निकला है तो कुल तय करना फासला आपको जो होगा कुल तय करना फासला इसको बच्चों आप लिखेंगे एस वन प्लस आपके पास हो जाएगा एस टू। एस वन की कीमत जो आपने निकाली है वो आपके पास है 200 मीटर और S2 की कीमत जो आपने निकाली है वो भी है 200 मीटर। तो दोनों को बच्चों जब हम जमा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 400 मीटर और ये आपका जी बच्चों ये आपका आंसर है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।